नमस्कार, आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज। मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोगों के सामने मैं बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुआ हूं। दो बड़ी खबरें हैं जो बता दूं कि मध्य प्रदेश में अभी दो जेल ब्रेक हो चुकी हैं, जो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि रतलाम के उपजेल सैलाना और दूसरी तरफ सतना का उपजेल मैहर। बता दूं कि मध्य प्रदेश में 24 घंटे के अंदर दो जेल ब्रेक हुए। रतलाम के सैलाना उपजेल में दुष्कर्म का एक आरोपी और दूसरी तरफ मैहर के उपजेल से चोरी का दो आरोपी, यानी कि तीन आरोपी दीवार फाद कर फरार हुए। दीवार फाद कर जो फरार हो जाते हैं, उसके बाद सीसीटीवी में देखा जाता है कि सीसीटीवी में एक कैदी के बाद दूसरा कैदी, जो कि मैहर उपजेल की बात कर रहे हैं, वहां पर दो कैदी फरार होते हैं, जो दिखाई दे रहा है सीसीटीवी कैमरे में कि एक के बाद दूसरा फरार हो रहा है। एक तो आप लोगों को बता दूं कि जो रतलाम का है उपजेल में, सैलाना की बात कर रहे हैं, तो वहां पर सैलाना में एक जो दुष्कर्म का अपराधी है और दूसरा जो कि मैहर से दो चोर जो कि कैदी फरार हो चुके हैं। आप लोगों को बताना चाहूंगा पूरी खबर। बता दूं कि रतलाम की सैलाना उपजेल से शनिवार को फरार हुए कैदी का नाम जस्सू उर्फ दशरथ डिंडोर है। वहीं दूसरी तरफ जो उमर पीड़ा छोटी सरवन के पास रहने वाला है और दशरथ एक महीने पहले ही दुष्कर्म के मामले में जेल आया था। जेल अपराधियों के अनुसार आरोपी जेल की दीवार फाद कर सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच फरार होता है। इसकी जानकारी भोजन काल के दौरान मिली। उपजेल से कैदी फरार होने के बाद सैलाना एसडीएम, एसडीओपी और सर्किल जेल प्रभारी सैलाना पहुंचते हैं। अफसरों के अनुसार इस दौरान तेज बारिश हो रही थी, जिससे कि जेल के पिछले हिस्से में चौकसी करने वाले जवान सेट में आ गए थे। इसी दौरान दशरथ मौके का फायदा उठाकर भाग गया। दोपहर के भोजन के समय विचाराधीन कैदी के भागने की जानकारी मिली। जेल प्रहरी और के आसपास के क्षेत्रों में पहुंचे, लेकिन कहीं भी अपराधी का पता नहीं चला। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जेल से भी अब कैदी लगातार फरार होने की खबरें आ रही हैं, जो 24 घंटे में दो कैदी नहीं बल्कि तीन कैदी दो जेल से फरार हो जाते हैं। आप लोगों को बता दूं कि सतना के मैहर उपजेल की दीवार फाद कर दो कैदी जो फरार हो गए, घटना शनिवार करीब शाम 5 बजे, यानी कि आज की मैं बात कर रहा हूं कि 5 बजे कैदियों के नाम शिवम उर्फ सिब्बू रावत और दूसरी तरफ उपजेंद्र रावत है। दोनों रामनगर थाना क्षेत्र में चोरी के आरोप में पकड़े गए थे। इसके बाद कोर्ट ने जेल भेज दिया। एसएसपी ने घटना की पुष्टि की है। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। इसमें दो जेल से कैदी फरार हुए हैं। पुलिस ने घेराबंदी कर दी है, जहां वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंच चुके हैं, लेकिन कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिला। अभी तक वो कैदी फरार हो चुके हैं। जल्दी शायद कैदी पकड़े जाएं। अपडेट जरूर करूंगा। धन्यवाद। अभी तक आप देख रहे थे तरंग 24 न्यूज। मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ। नमस्कार, जय हिंद।